कंटेंट क्रिएटर्स ने मेरे बारे में सोचा एंड मेरे दिमाग मुझे दिमाग में रखकर बनने लगी फिल्में. मेरी फिल्मोग्राफी में भी ये जॉनर ब्रेकर सिर्फ मेरे लिए नहीं, शायद हिंदी फिल्म्स के लिए भी नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन मैं कोई 200 करोड़ वाले बजट की फिल्में नहीं करता हूँ कि वो रिकवर ना कर पाए. वैसी वैसी वाली फील आए कि कुछ लौंडे निकले हैं फिल्म बनाने. तो मेरा पूरा करियर ही रिस्क पे बना है, तो अगर मैं रिस्क लेना बंद कर दूंगा तो कौन लेगा. और ये मेरा एक अपना ट्रिप है टू गिव कॉन्टेंट जो पहले कभी ट्राई ना किया गया हिंदी सिनेमा में. इसके लिए तैयार ही होना चाहिए क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको प्यार भी खुले में मिलेगा और क्रिटिसिज्म भी खुले में मिलेगा. मैं अपनी डेट्स एडजस्ट कर लूँगा क्योंकि गॉट रियली बिजी आफ्टर पाताल लोक. हाँ, यही हमेशा से यही रहेगा अटेम्प्ट कि मैं इतना अच्छा काम करूँ कि लोग याद रखें उसको. ऐसा नहीं है कि उनकी मर्जी के बिना लिया गया है, उनकी मर्जी से लिया गया है, उनकी सहमति से लिया गया है. बहुत कमाल एक्टर है और ये फिल्म की जान भी है एक तरीके से, क्योंकि हाय दिस इज आयुष्मान खुराना. हाय दिस इज अनिरुद्ध अय्यर एंड यू वाचिंग अस ऑन फर्स्ट इंडिया फिल्मी. अ वेरी वार्म वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी. मैं हूं आपकी रोशनी और आज हमारे साथ दो सेल्फ मेड पर्सनालिटीज है. प्लीज वेलकम सुप्रीमली टैलेंटेड आयुष्मान खुराना जो हमारे दी वन एंड ओनली एक्शन हीरो है, और अनिरुद्ध अय्यर. वेलकम. थैंक यू रोशनी. सो फर्स्टली ये जो एक ट्रेलर सामने आया है जिसमें ढेर सारा एक्शन, ढेर सारी मार पिटाई, आप तोड़ रहे, फोड़ रहे, भाग रहे, लोगों को अपने पीछे भागने के लिए कह रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा ट्रेलर है. क्या करना चाहता है ये एक्शन हीरो? एक्शन हीरो बचना चाहता है. कि एक्शन हीरो ये करना चाहता है कि असली में तो उसने कभी लड़ा नहीं है. स्क्रीन ऑन स्क्रीन उसका एक कैरेक्टर है जो वो पोर्ट्रे करता है और विलेंस को मारता है, लेकिन असल जिंदगी में अगर वो किसी चीज़ में फंस जाता है तो कैसे एक्शन करता है या नहीं कर पाता है, ये फिल्म में दिखाया गया. जी, एक्शन हीरो को बनाने के पीछे आपका हाथ है और बहुत ही दो अमेजिंगली यू नो एक ऐसे एक्टर्स बीइंग आयुष्मान पीपल अब उन्हें ऐसे देखते हैं कि बंदा आ रहा है, मतलब पैसा वसूल फिल्म तो आने ही वाली है, एक स्टोरी आने वाली है जो बहुत ही अच्छी होगी. जयदीप को भी लोग उसी तरह देखते हैं. इन दोनों को बैलेंस आउट कर पाना कैसा रहा आपके लिए? उतना मुश्किल नहीं था ऑनेस्टली. जब शुरू हुआ ये प्रोसेस तो मुझे लगा कि क्योंकि पहली बार फिल्म बना रहे हो तो चार चीज़ें आती हैं मन में, पर जैसी फिल्म शूट शुरू हुआ हमारा इन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया मुझे, तो एक बड़ा ही फैमिली एटमॉस्फेयर बन गया और एक वैसी वाली फील आई कि कुछ लौंडे निकले हैं फिल्म बनाने. वो बहुत बहुत प्यार से बनी है फिल्म, तो कभी भी वो प्रेशर फील नहीं हुआ. बैलेंस करना नहीं पड़ा, बैलेंस होता गया, कहानी लेवल पे ही वो करते गए थे. आप भी इतना मारखाट वायलेंस पहली बार हम देख रहे हैं, इसके पहले भी देखा है लेकिन इतना एक्सट्रीम में नहीं था. यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट आप दोनों को ही ऑफर किया गया, व्हाट वाज योर बिलीफ बिहाइंड चूजिंग दिस प्रोजेक्ट? द नॉवेल्टी, द यूनिकनेस ऑफ द फिल्म, द स्क्रिप्ट, क्योंकि ये रन ऑफ द मिल एक्शन फिल्म नहीं है. इसमें बहुत कुछ है, सटायर जिसे व्यंग बोलते हैं वो है, कॉमेडी है, एज ऑफ द सीट एनर्जी है इसकी, अनप्रिडिक्टेबल है काफ़ी. सो वो मुझे काफ़ी एक्साइट किया. तो अंधाधुन के बाद मुझे ऐसी फिल्म मिली जो मुझे थोड़ी अलग लेवल पर एक्साइटमेंट मेरे लिए आई. जी, अनिरुद्ध, व्हाट वाज योर पर्सपेक्टिव ऑन आप चूजिंग दिस प्रोजेक्ट? आई वाज ऑलवेज ट्राइंग टू आल्सो फॉलो हिज पाथ इन लाइफ, टू ट्राई टू डू समथिंग न्यू, एंड हु बेटर टू गो टू विद अ न्यू आइडिया देन हिम. So, yeah, you always write as a fresh voice, you want to say something new. That is the agenda always. You always want to try and break the clutter. सबके अपने वैसे ही सपने होते हैं कि आप कुछ नया करो, कुछ अलग करो. तो वही अप्रोच लेके आया था मैं भी. जी, यहाँ पर जब आप इंडस्ट्री में आए थे, जैसे आप भी कह रहे हैं कि यू नो एक अलग कुछ लेकर आए, क्या आपने ऐसा सोचा था कि पहले प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट भी कुछ ऐसे करेंगे, या फिर इसी लीग में जाना है कि लोग आपको एक यूनिकनेस के लिए जाने जाए? बिकॉज अभी जब हम आयुष्मान का नाम सुनते हैं, वी नो कि बंदा कुछ तो अलग लाने वाला है, कुछ तो ऐसा जो यू नो कंटेंट ओरिएंटेड होने वाला है, स्टोरी तो डेफिनेटली मिलेगी. सो ऐसा कुछ सोच विचार था? ये था, शुरू से सोच विचार था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक अनकन्वेंशनल एक्टर हूँ, तो मुझे अनकन्वेंशनल चॉइसेस के साथ जाना होगा, अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स के साथ, फिल्म्स के साथ जो नॉर्मल से अलग हो. और वही हुआ, मतलब आफ्टर विकी डोनर के 2 साल बाद दम लगा के ईशा हुई, उसके बाद वैसी फिल्में लिखी जाने लगी. एंड आई एम ग्लैड उन स्क्रिप्ट राइटर्स, उन कंटेंट क्रिएटर्स ने मेरे बारे में सोचा एंड
मेरे दिमाग मुझे दिमाग में रखकर बनने लगी फिल्में. सो बट एट द सेम टाइम इस टाइम पर एन एक्शन हीरो एंड आई एम लुकिंग फॉर री इन्वेंशन, क्योंकि मैंने अपने स्टेपल जॉनर पे बहुत सारी फिल्में की अपनी फिल्मोग्राफी में. सो दिस इज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मेरी फिल्मोग्राफी में भी. ये जॉनर ब्रेकर सिर्फ मेरे लिए नहीं है, शायद हिंदी फिल्म्स के लिए भी. जी, आप जब इनके साथ आपने काम नहीं किया था, व्हाट वाज योर पर्सपेक्टिव कि आयुष्मान के साथ काम करना कैसा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी अलग हट के काम करने के लिए जाने जाते हैं. एक्चुअली इतना नया नहीं था, क्योंकि कलर येलो जिस कंपनी के साथ मैं काफ़ी सालों से रहा हूँ, उस कंपनी में इन्होंने दो फिल्में की थी पहले, शुभमंगल और शुभमंगल सावधान और शुभमंगल ज़्यादा सावधान. तो मैं इनको तब मिल चुका था, तो मैं तब से ही जानता था कि ये आर्टिस्ट हैं, ये प्योर सोल हैं, ये कहानियों पे बिलीव करते हैं, सेटअप्स में बिलीव नहीं करते. इनको सेटअप्स समझ नहीं आते, इनको कहानियाँ ही समझ आती हैं. तो तब से ये जानता था मैं कि इनके पास मैं सेटअप तो लेके नहीं जा सकता, कहानी ही लेके जा सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ वो देखते हैं और कुछ नहीं देखते. तो लकीली वो नॉलेज था मेरे पास इनका, तो उसी अप्रोच के साथ हम गए इनके साथ. फॉर्चुनेटली इनको पसंद आ गई. जी, यहाँ एक्शन हीरो में हम ऐसा देख रहे हैं कि दो हीरोज ही हैं, महिलाएं जो हैं वो गाने में हमें दिख रही हैं, स्क्रिप्ट में तो हमें नहीं दिखी. तो ये जो एक सोच रही है स्क्रिप्ट बनाने को पीछे भी, क्योंकि कोई लव एंगल हमें दिखाई नहीं दिया ट्रेलर में एज फार एज, सो इन दोनों को बैलेंस आउट कर पाना, ऑल्सो ऑडियंस तक वो डिलीवर कर पाना कि ये दोनों ही हैं जो कि हमें दिखने वाले हैं, द वे यू आर सेलिंग इट, सो इसको किस तरह से देखा आपने? कोई भी एंगल आप जब फोर्स करोगे ना कहानी में, तो वो ऑनेस्टी आएगी नहीं, दिखेगी नहीं स्क्रीन पे. तो हमने कुछ भी ऐसा एंगल हमने इसमें ट्राई नहीं किया है जो जिसकी ज़रूरत नहीं है इस कहानी को. तो और ये काफ़ी है, ये आप जब देखोगे फिल्म आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपको दिख रहा है ये बहुत काफ़ी है, बहुत हैं. टू इट्स अ लॉट टू यू नो टेक, देयर इज अ लॉट हैपनिंग. जी, आयुष्मान आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्टर्स मोस्टली रेंटल कपड़े पहनते हैं, जो भी स्क्रिप्ट की डिमांड होती है उस हिसाब से. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी कपड़े में इतने अनकंफर्टेबल रहे कि आपको दो बार एक्टिंग करनी पड़ी, पहले तो आप कंफर्टेबल हो, दूसरी जो एक्ट करने के लिए आप कर रहे हो? नहीं, हम अब ये एक मतलब कपड़ों की बात करें कि वैसे अब लेकिन जनरल की बात कर रहे हैं, मैं समझा नहीं आपका. अबाउट योर क्लोथ्स, वो ट्रायल्स होते हैं हमारे हमेशा. जब तक हम फिटिंग ट्रायल ये सब करते हैं, ट्रायल्स होते हैं बकायदा, दो दिन ट्रायल्स होते हैं, कई बार तीन बार होते हैं, उसके बाद ही सिलेक्ट किया जाता है. ऐसा हम सारे लुक्स टेस्ट करते हैं, कंफर्ट चेक करते हैं उस पर. अगर आप कपड़ों की बात कर ही रहे हो, तो मैंने अपने शूज इसमें पहने और अपने ग्लासेस इसमें पहने, सनग्लासेस. लेकिन उसके अलावा सब ट्रायल्स में लॉक हो जाता है. अंकिता जायज ब्रिलियंट स्टाइलिस्ट, शी इज ब्रिलियंट, जो एक्शन हीरो में जिनके साथ काम किया. इनफैक्ट जितनी मैंने कलर येलो के साथ फिल्में की, अंकिता ने ही उसमें स्टाइल किया. जी, बीइंग अ सेलिब्रिटी, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं यू आर एन एक्शन हीरो हियर, व्हाट डू यू फील कि एज अ सेलिब्रिटी कितने ड्रॉबैक्स भी साथ में आते हैं? पावर पोजिशन तो हम जानते ही हैं. आई थिंक वो तो आपको इसके लिए तैयार ही होना चाहिए, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको प्यार भी खुले में मिलेगा, क्रिटिसिज्म भी खुले में मिलेगा. सो यू हैव टू बी लिटिल इम्यून टू दैट. जी. और अगर आप इस प्रोफेशन में आए हैं तो प्लसेस तो ज़्यादा ही, आपको रेस्टोरेंट्स में बुकिंग नहीं करनी पड़ती, आपको प्यार मिलता है, आपको सर्टेन प्रिविलेजेस मिल जाते हैं ज़िंदगी के. तो आई थिंक प्लसेस आर मोर, मतलब वी आर फॉर्चुनेट एक तरह से. एक मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड ही करता हूँ, जितना सोचा था यूनिवर्स इज गिवन मी मच मोर देन दैट. जी, एंड अनिरुद्ध, वी लाइक टू नो फ्रॉम यू, दिस हैज़ बीन योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, और जो कि इतना प्यार भी दिया जा रहा है उसको, क्या एक सोच है कि आगे आप किस तरह से इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कंट्रीब्यूट करने वाले हो व्हिच विल बी रिमेंबर्ड कि अनिरुद्ध ने कुछ तो ऐसा काम किया है? बस ये अगर हो जाए तो मैं जीत गया. ये यही है गोल, सबका यही होता है एक्चुअली, मेरा नहीं, हम सबका, एज 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 आर्टिस्ट दैट इज़ आर ओनली डिज़ायर, दैट आपको आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें. उससे बड़ा रिवॉर्ड आई डोंट थिंक होता है एक आर्टिस्ट के लिए. तो हाँ, यही हमेशा से यही रहेगा अटेम्प्ट कि मैं इतना अच्छा काम करूँ कि लोग याद रखें उसको. जी, आयुष्मान, आपकी फिल्म आई थी शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, जिसमें एक फ़ैन ने लिखा था, उसने फिल्म नहीं देखी थी लेकिन उसने लिखा था कि फिल्म तो मैंने नहीं देखी है लेकिन आयुष्मान की है तो आप भी देख लो,
कुछ तो अच्छा मिलेगा लेकिन पैसे वेस्ट नहीं होंगे. जब लोग इस तरह की सोच रखते हैं आपके प्रोजेक्ट को एंड दे इन्वेस्ट देयर मनी इन इट, हाउ डू यू सी दिस एंड हाउ डू यू फील कि ये कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि पीपल आर बिलीविंग इन यू. या इट्स अ सेंस ऑफ वैलिडेशन इन फैक्ट. अगर लोगों का प्यार मिले तो बहुत एक अच्छा लगता है एक आर्टिस्ट के लिए, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है. और कोशिश यही रहती है कि हर बार कुछ नया कुछ अलग किया जाए और लोगों को नया दिया जाए. जी, रीमेक्स को लेकर जहाँ काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ मिल रहे हैं, आप लोगों ने डेयर किया है, बैक टू बैक हमें रीमेक सॉन्ग आ रहे हैं, आपका डांस बहुत ही प्यारा लग रहा है जेड़ा नशा में, लेकिन फिर भी हाउ डिड यू थॉट कि इस तरह से रीमेक्स को इस तरह से क्रिएट किया जाए? देखो, जेड़ा नशा एक ऐसा गाना जो थ्रू आउट पैंडमिक मेरे साथ था, 2 साल मैंने उसे लूप पे सुना. इट वॉज माई फेवरेट सॉन्ग, स्टिल इज माई फेवरेट सॉन्ग. एंड ये मेरा अपना वो था कि अगर फिल्म आएगी तो काश ये गाना मेरी फिल्म में आए. एंड भूषण जी ने गाना प्रोक्योर किया ओरिजिनल आर्टिस्ट से. वाज दिस योर आईडिया? इट वाज, इट बेसिकली उन्होंने प्रोक्योर कर लिया तो आई गॉट रियली एक्साइटेड. इट वाज नॉट माय आईडिया टू हैव दिस सॉन्ग इन माय फिल्म, बट इट वाज भूषण जीज आईडिया. पर जो ओरिजिनल कोलैब, जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं गाने के, वो इस क्रिएशन का, इस रिक्रिएशन का हिस्सा है. ऐसा नहीं है कि उनके उनकी मर्जी के बिना लिया गया, उनकी मर्जी से लिया गया, उनकी सहमति से लिया गया, उन्होंने ही गाया है. और एक तरह से एक न्यू एडिशन युहानी जो श्रीलंकन सिंगर है और पंजाबी में गा रही है, तो एक अच्छा क्रॉस कल्चरल मिक्स है. इससे ये फ़ायदा हुआ है कि आज मेरा वॉचमैन भी इस गाने को जानता है. ये सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं है, अब इसकी ऑडियंस और रीच और वाइड हो चुकी है. तो इससे जिन जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं उन्हीं को ही फ़ायदा हो रहा है. सो इट जस्ट टेक्स द म्यूज़िक टू द नेक्स्ट लेवल. और जहाँ ये इस गाने का की बात है जो भी आज ही आया है मलाइका इस गाने में है, तो ओ जी डीवा अब जैसा कोई, तो ये हमारे सिचुएशन की डिमांड है. इसमें एक पुराना गाना ही सूट करता है तो उसी को रिक्रिएट करना पड़ा था. एंड हैविंग सेड दैट, हमारे 3 हफ्ते का कैंपेन है एंड ऐसे गाने भी चाहिए होते हैं जो एकदम क्लिक कर जाएं. न्यू गाने का क्या होता है, आपको 4 हफ्ते 1 महीना लगता है तब तक हमारी फिल्म रिलीज होकर निकल जाती है. सो इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड थिंग टू डू एंड वेरी प्रैक्टिकल थिंग टू डू. एंड या दैट्स अबाउट इट. अनिरुद्ध, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस? नो, ही सेड इट, ही सेड इट. I think it's also a way to, the only thing I'd like to add is it's a way to celebrate the song that everyone's loved. And thankfully, we had the blessings of the original creators and they collaborated with us on this. And it was lovely to be able to celebrate something that we love so much. And that is, I think, the best part about, you know, being in this profession, that everyone's very nice to each other. We're all very kind to each other. We talk about music, we talk about films. हमारे लिए प्रोसेस बड़ा ही अच्छा रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव दिस सॉन्ग इन अ फॉर्म. जी, कई बार ऐसा होता है शूटिंग के दौरान कि राइटर्स जो स्क्रिप्ट लेकर आते हैं उसके साथ क्रिएटिव और डायरेक्टर और यू नो एक्टर्स का तालमेल नहीं बैठ पाता. यू आर लाइक कि ऐसा कैसे लिख दिया या फिर ये चीज़ सिंक नहीं हो रही है आपके कैरेक्टर के साथ. ऐसे में आप कभी ऐसे मजबूरी में कुछ करना पड़ा है इस प्रोजेक्ट के लिए? नहीं, मजबूरी में तो कुछ नहीं, कुछ नहीं. मतलब कुछ ऐसी जो आर्टिस्ट हैं आप मजबूरी में कुछ नहीं करते, अपनी खुशी के लिए करते हैं. जब तक खुशी ना मिले तब तक क्या मजबूरी से काम ही नहीं होता. मजबूरी 9 to 5 जॉब तो है नहीं. आयुष्मान, हाउ वॉज योर कोलैबोरेशन विद जयदीप? बिकॉज लोग उन्हें भी यू नो बहुत ही प्यार से देखते हैं कि यार बंदा आ रहा है, मतलब कुछ तो अलग ला रहा है. बहुत कमाल एक्टर है और ये फिल्म की जान भी है एक तरीके से, क्योंकि जब तक ये येन और यांग का कॉम्बिनेशन करेक्ट ना हो, जब तक ये दो अलग सोच एक साथ ना आए और भिड़े नहीं, तब तक ये फिल्म का मजा नहीं आएगा. एंड जयदीप अलावत, पाताल लोक के बाद मैं फैन हो गया उनकी एक्टिंग का. एंड ये जब मैं नरेशन सुनी थी तो ये मेरी इंसिस्टेंस पे मैंने बोला था कि इसमें तो यही हो सकते हैं. मैं अपनी डेट्स एडजस्ट कर लूँगा क्योंकि गॉट रियली बिजी आफ्टर पाताल लोक. सो आई एम ग्लैड ही इज हियर द फिल्म. लवली. ओके, सिंस वी हैव यू हियर, एक्शन हीरो का कोई एक ऐसा डायलॉग दैट इज यू नो टचिंग टू यू? टचिंग तो नहीं, इसमें कुछ ऐसी टचिंग वाली मतलब बहुत ही बट देयर इज अ लाइन दैट ही लाइक्स अ लॉट. आई लाइक्स, या या या, आई लाइक अ लॉट. यू कैन हैव दैट. दो दिसंबर को आ रही है हमारी फिल्म एन एक्शन हीरो. 2 दिसंबर. और उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म बहुत पसंद आएगी और इसमें आपको बहुत ही नयापन और एक न्यू एज सिनेमा देखने को मिलेगा. नए तरीका एक्शन है, कहानी है, ट्विस्ट है,
कॉमेडी भी है, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ है. सो गो वॉच एक्शन हीरो. लवली. गो वॉच एक्शन हीरो 2nd December एट अ थिएटर नियर यू. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस. वी विश यू ऑल द लक. थैंक यू.